कहां थी आप? आपको पता नहीं था 9:30 बजे मीटिंग है हमारी। माजरत चाहती हूं, एक जरूरी काम था। काम था? क्या कहीं पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे आपके? कहना क्या चाहते हैं आप? शहजाद मैडम, ओनर साहब प्लीज। दुबई प्रोजेक्ट की इंचार्ज हैं आप, अगर आपने अपनी प्राइवेट लाइफ के उतार चढ़ाव बर्दाश्त करने की सकत नहीं है और अपने मसलों से आप नहीं निकल सकती तो ठीक है, रिजाइन कर देती हूँ। आपसे रिजाइन का नहीं था। ठीक है, ये बात मैं कह देती हूँ। ये क्या हो रहा है भाई? अगर सिर्फ एक मीटिंग में लेट हो जाने की वजह से ऐसा रवैया रखेंगे तो जाहिर है काम करना नामुमकिन हो जाएगा। मसला लेट आने का नहीं है, आप जानती हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है ओनर साहब। बहुत आला, ये प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी है, सब मसाइल का हल निकाल लिया है, लेकिन आप तो मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। इस तरह से हम दोनों काम नहीं कर सकेंगे। शहजाद साहब बात तो सुने। मुझे ओनर साहब समझ नहीं आ रहे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है समझना, नाराज मत हो, रिलैक्स हो जाएं, बात कर लेते। नहीं करीम साहब, बहुत हो गया। शहजाद मैडम, ये किस किस्म की फजूल गुफ्तगू है? ये बिल्कुल सही कर रही है, कल फिर किसी बात पर झगड़ा होगा। चलें छोड़े शहजाद, बैठ जाएं। बात को बढ़ाएं नहीं, बात आपने बढ़ाई है। ओके प्लीज, देखो ये काम बड़ा है और प्रॉब्लम्स भी बड़ी हैं, हम सब गुस्से वाले हैं इसलिए मसाइल हो रहे हैं। साथ काम करने के लिए एक दूसरे को समझना मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है। करीम साहब, अगर कंपनी मुझ पे भरोसा ही नहीं करती तो आप खुद बताएं मैं यहाँ काम कैसे कर सकती हूँ। ये तुमसे किसने कहा? कौन कहता है कि तुम पर ट्रस्ट नहीं है हमारा? तुम अच्छा काम कर रही हो, बस मैं चाहता हूँ आइंदा ऐसा ना हो। जाहिर है नहीं होगा। चलो बात खत्म करते हैं। ना ओके, बैठो। प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो पाए या कोई मसला हो जाए, इस पर झगड़ा हो तो बात समझ में आती है, लेकिन मीटिंग में लेट हो जाने पर बॉस और प्रोजेक्ट इंचार्ज लड़ रहे हैं, हैरत है यार। अच्छा बस ठीक है ना, छोड़ो। आई एम सॉरी। कुछ पीने के लिए मंगवाते हैं, मेरा तो गला खुश्क हो गया तुम लोगों को समझाते समझाते।